हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन इस सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग जो है ना चेंज होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डायनेमिक इफेक्ट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको है ना ऊपर की साइड में आपका ये मोबाइल फोन की स्क्रीन दे रखी है आपको सैंपल में, ठीक है। तो देखिए मेरा जो है ना इसमें नीचे की साइड इस वाले बॉक्स पे टिक मार्क लगा हुआ है, आप जो है ना किसी भी दूसरे बॉक्स पे आप इसे टिक मार्क लगा सकते हैं तो आपका ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से आप इसे दूसरे वाले बॉक्स पे टैप करेंगे तो ये आपका राउंड शेप में हो जाएगा या फिर इस वाले शेप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप इसे टिक मार्क लगा लीजिए किसी भी दूसरे आइकन पे, मैं इस वाले पे लगा लेता हूँ, इस तरीके से हो गया। और इसे आपको लास्ट में अप्लाई का बटन जरूर दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना मेरा फिंगरप्रिंट आइकन देखिए ये चार को बॉक्स का टाइप का दिखाई दे रहा है बॉक्स में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इसे जो है ना चेंज कर लेता हूँ, देखिए मैं इस वाले पे टैप कर लेता हूँ और इसे अप्लाई का बटन यहाँ पे दबा देना है आपको, ठीक है। इसके बाद तो आपका जो है ना ये चेंज हो जाएगा। आप देखिए सेटिंग देखिए कैसे दिखाई देगा आपका फिंगरप्रिंट आइकन इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा टाइप कर देना है तो आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा इस तरीके से, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।